गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, अभी बस मैं नहा के ही आ रही हूँ और मैं चल रही हूँ, आज बनाऊँगी मटर पनीर की रेसिपी। तो जैसे कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और अभी टाइम मैं बोलूँ, आप 8:30 बजने वाले, 8:30 क्या, 10 मिनट बाकी है 9 बजने में। तो बस मैं जा रही हूँ मटर पनीर की रेसिपी बनाने, सब्ज़ी। तो आप देखिए कैसी बनती है ये मटर पनीर की सब्ज़ी। आपको अगर पसंद आती है ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सके। और जैसा कि आप सोच रहे होंगे, ये बार बार यही एक जगह में बैठ के वीडियो बनाती हूँ तो सामने ये अच्छी सी रोशनी इस पर पड़ती है तो यहीं वीडियो अच्छी बनती है, बाकी हर जगह अंधेरा सा आता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ रेसिपी को। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर और प्याज, पनीर और साथ में हमने लिया है हरी हुई हरी मटर, और इसे मैंने थोड़ा सा पहले उबाल लिया है। तो अब हम पहले इसकी पेस्ट बनाने के लिए टमाटर और प्याज, इन चीज़ों को हम फ्राई करेंगे पहले हल्का सा। इसे हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। ये मैंने हल्का सा पहले ऑयल डाला, उसमें प्याज डाल रही दिया है मैंने, और इसके साथ में डालेंगे हम लहसुन। और जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसका टेस्ट दोस्तों कुछ अलग तरीके से ही आता है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप खुद इसका टेस्ट अलग देखेंगे और आप जिस तरीके से पनीर बनाते होंगे उसे छोड़ के ऐसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। काफ़ी अच्छी बनती है ये पनीर। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, थोड़ा हल्का ही ब्राउन होगा तभी हमें गैस बंद कर देना है, और इसका हमें पेस्ट बनाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो अब ये थोड़ा सा भुन जाएगा, इसमें हम अपने जो तो टमाटर हैं कटे हुए वो भी ऐड कर देंगे ताकि वो हल्के से गल जाएं, और इन चीज़ों का हम बनाएंगे एक पेस्ट। दोस्तों, जो हमारे वीडियो पे नए हों तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। देखिए अभी थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है कि टेस्ट चेंज हो जाए। बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, 2 टमाटर है मैंने आपको दिखाया था। इसमें मसाले कम ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छी ये बनके रेडी होती है। इसे थोड़ा सा ढक के हम पकाएंगे। बस ये हल्का सा मुलायम हो रहा है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। बस अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और इसे मिक्सर में निकाल लेंगे ग्राइंडर में, उसके बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। बस हमने एक पेस्ट तैयार कर लिया है और हमने थोड़ा वीडियो एडिट कर दिया था। अब हमने कढ़ाई गरम कर लिया और इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा हमारा जब चटक जाएगा तो इसमें हम पहले मसालों को ऐड करेंगे। हम पनीर नहीं भूनेंगे इसमें, पनीर कोई कोई तलता है लेकिन हम तलेंगे नहीं पनीर को, वैसे ही पनीर डालेंगे। क्योंकि जब हम तल लेते हैं पनीर को तो थोड़ा सा वो क्रिस्पी टाइप का हो जाता है और ये सॉफ्ट रहेगा। अगर हम साथ में ऐड करेंगे तो ये सॉफ्ट रहेगा। पहले मैंने इसमें ऑयल में हल्की सी हल्दी इसलिए डाली क्योंकि इससे उसका कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। और हम मसाले को ऐड कर दिए हैं। अभी हमने इसमें कुछ नहीं वैसे सूखे मसाले डाले थे, अब हम इसमें सूखे मसाले भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। थोड़ा सा ये पहले भून जाए। आप एक बार दोस्तों ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसमें अगर कुछ कमी लग गई होगी तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट में ताकि मैं उसे सुधार सकूं। अगर आपको कोई रेसिपी भी मुझसे जाननी है कि मैं कैसे ट्राई करती हूँ तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आपको ये बताऊँगी। अब इसमें हमने हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी हम कम ही डालेंगे क्योंकि हल्दी मैंने पहले ऑयल में भी डाली थी। थोड़ी सी धनिया डाली है मैंने सूखी पिसी हुई। बस हमने देख लीजिए धनिया बिल्कुल कम डाला है और इसमें हम एक पनीर मसाला डालेंगे जो कि अभी हम नहीं डालेंगे, वो लास्ट में हम डालेंगे। तो हमारे मसाले लगभग भुन चुके हैं,
हमें मसाले तब तक भूनने हैं जब तक कि ये मसाले ऑयल ना छोड़ने लगे। तो देख लीजिए साइड साइड से ऑयल कैसे निकल रहा है। थोड़ा देर हम ढक देंगे, ढकने से क्या होता है मसालों की जो खुशबू रहती है वो बाहर नहीं निकलती और उससे अच्छी खुशबू रहती है सब्ज़ी में। और अब हम हमारे मसाले भून चुके हैं तो हम इसमें मटर ऐड करेंगे, अपने जो उबले हुए मटर हमारे थे वो ऐड कर रहे हैं। बस हम इसे मिक्स करेंगे, मटर हमारे उबले हुए ही हैं तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। बस उसके बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे और पनीर डाल के हम पहले चलाएंगे नहीं, पहले थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे, यानी इसे ऊपर से ही डाल के और इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे नीचे से मसाले जो हैं वो थोड़े से ऑयल छोड़ देंगे। उसके बाद हम मिक्स करेंगे। बस अब हम इसे चला देंगे, 2 मिनट हो गए हैं। इसका इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। अगर आप इसे ग्रेवी में बनाना चाहते हैं या सूखी बनाना चाहते हैं, जैसी भी मर्जी, काफ़ी अच्छी ये बनेगी मटर पनीर। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं वो मसालों के साथ में, जैसे कि जब मैंने मसाले प्याज भुने थे उसके साथ में हल्का सा उसे फ्राई करके पहले निकाल लें, उसके बाद ही प्याज वगैरह भुने। इसमें मैंने नहीं डाले हैं। इसे हम पहले थोड़ा सा ढक देंगे और 2 मिनट के बाद मैं इसे खोल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं तो इसे 2 मिनट के लिए फिर मैं भून चुकी हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर अभी इतना अच्छा लग रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और मसाले बिल्कुल भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, हल्की सी ग्रेवी वाली हम बना रहे हैं मटर पनीर, आप सूखी भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसके बाद हमें इसमें नमक ऐड करके बस ढक के पकाना है। हम टमाटर कटे हुए नहीं डालेंगे क्योंकि हमने टमाटर ग्रेवी में डाले हैं। बस अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक और मटर तो पक ही चुकी है, मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, तो इसे ज़्यादा देर पकाना नहीं है हमें, 3 से 4 मिनट हम इसे पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक। बस हम इसे चला के ढक देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ये सब्ज़ी बना के देखिएगा। अगर ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है ये सब्ज़ी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि ये कैसी बनी थी, आप लोगों ने बना के ट्राई की या नहीं की। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया। बस अब हमने इसमें मसाले डालने हैं जो कि मैंने पनीर मसाले मंगा के रखे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से मसाले हैं ये, आप देख सकते हैं मटर पनीर मसाला है ये, और हम इसमें ऐड करेंगे बस। ऐड करने के बाद हमें 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे रखना है ढक के, उसके बाद हमें बंद कर देना है। और साथ में हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे। गरम मसाला हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे। हम इसमें मसालों का बहुत कम यूज़ किया है हमने, तब ये टेस्टी सब्ज़ी बन के रेडी होती है। तो इसमें आप देख लीजिए मैं थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, बस इतना था। और उसके बाद इसे हमें चला के 2 मिनट के लिए ढक देना है। कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। बस हम इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए, वो भी धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमा करके हम रखेंगे। और 2 मिनट बाद हम इसे खोल रहे हैं, आप देख लीजिए ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है, इसका कलर बहुत अच्छा है और भी हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम गैस को कर दे रहे हैं बंद, आप देख सकते हैं
तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी मटर पनीर की? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर हो सके तो जितना हो सके शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और चीज़ की वीडियो बना के शेयर करूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर आपको कोई गलती हो या फिर कुछ भी हो तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा ताकि मैं वो सुधार सकूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।